तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर का आज आखिरी दिन, कल मैनपुरी मेक के बाद 1-6 रैली करेंगे सीएम योगी, अखिलेश यादव भी करेंगे 3 जलसे। पैंतीस दिन के अंदर दिल्ली को दहलाने की दूसरी साजिश नाकाम, सीमापुरी में मिले आईडी को निशाद गार्डन में किया गया डिफ्यूज। दो के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में आज होगा सजा का ऐलान, दो दिन पहले 49 कसूरवारों की सजा पर कोर्ट में बहस हुई थी पूरी। सिंगापुर के पीएम ने किया भारत के अराकीन पार्लियामेंट पर लगे कत्ल और रेप के इल्जाम का जिक्र, वजारत खारजा ने जाहिर किया एतराज। हिजाब तनाजे पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी होगी समाप्त, उड़ुपी में 23 फरवरी तक बढ़ाएगी दफा 144। कर्नाटक अखिलेती महकमे ने स्कूलों में मजहबी अलामत पर लगाई पाबंदी। महाराष्ट्र के मालेगांव में हिजाब गर्ल मुस्कान के नाम पर रखा गया उर्दू घर का नाम, बीजेपी और जनता दल ने की मुखालफत। गुजरात के भुज में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान की 7 बोट जब्त, तलाशी मुहिम जारी। बिहार के गया में पुलिस पर जुल्म करने का इल्जाम, बच्ची खवातीन और मर्दों के हाथ पैर बांधकर लाठियां बरसाई। कोरोना के खिलाफ जंग में एक और मुकाम, मुल्क में 174 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आदादोशुमार। मुल्क में 1,84,00,000 से ज्यादा लगी बूस्टर डोज, मरकजी वजारत सेहत ने जारी किया आदादोशुमार। मरकजी वजारत सेहत ने रियासतों से की अपील, 31 मार्च तक आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस मिशन के 1,10,000 सेंटर्स को ऑपरेशनल करें। से केरल और गोवा में सफर के जब्तों में रियायत, अब रियासत में एंट्री के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ में बनेंगे 32 आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल, रियासत के हर जिले में खोला जाएगा 1 स्कूल। दो साल बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में वापस लौटे तलबा, कोरोना की वजह से बंद थी यूनिवर्सिटी। यूपीएससी में जारी की इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के लिए भर्ती, 150 उर्दू के लिए मांगी एप्लीकेशन। 21 फरवरी से खुलेंगे गोवा में 12वीं तक के स्कूल, कोरोना की वजह से बंद थे स्कूल। यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने फिर जाहिर की तश्वीश, सदर जो बाइडेन ने कहा रूस फर्जी बहाना बताकर कर सकता है हमला। यूक्रेन ने जारी की रूस की फौज की सैटेलाइट तस्वीरें, तस्वीरों के मुताबिक रूस ने बॉर्डर के आसपास बढ़ाई फौजियों की तैनाती। न्यूजीलैंड में मुसलसल 10वें दिन कोरोना वैक्सीन के खिलाफ लोगों का एहतजाज, वजीर आजम जसिंडा आर्डन ने कहा पार्लियामेंट के बाहर डेरा डालना मंजूर नहीं। ब्राजील में शदीद बारिश से हुई अमवात का आदादोशुमार बढ़ा, बारिश के बाद आए सैलाब और लैंडस्लाइड से 117 से ज्यादा अफराद की मौत। हिंदुस्तान वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 आज, सीरीज जीतने पर होगी टीम इंडिया की नजर। वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने की यंग लेग स्पिनर रवि बिश्नोई की जमकर तारीफ। रणजी डेब्यू में यश टोल ने मचाया धमाल, 133 गेंदों पर बनाई सेंचुरी। साबिक कप्तान सुनील गावस्कर ने की हर्षल पटेल की तारीफ, बोले हर्षल उन पर खर्च किए गए हर एक रुपए के लिए हकदार। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने शुरू की दृश्यम 2 फिल्म की शूटिंग, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें।